अब रोटी वही खा रहे हो जो है। प्रेम भाई ने अपने बेटा के लाने पहले से रोटी सब्जी बना के धल रही थी कि हमारा बेटा आ रहा है। बजरू राम राम नमस्कार। मौजूद है मध्य प्रदेश निवाड़ी विधानसभा के अंदर ऐसे गांव में जोन गांव का नाम है कौन सा गांव है बटवाहा जो गांव में आगे बसोबा के आगे है। आज सुबह से दो बार के विधायक अनिल जैन साहब मौजूद है। जनसंपर्क सुबह से अनेकों गांव में हुआ, चाहे प्रतापपुरा की बात करें, जजौरा की बात करें, बसोबा की बात करें। विधायक जी कैसो का लग रहा हो क्षेत्र के अंदर जनसंपर्क मिल रहा हो? जिंदाबाद, 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 जन जन की यही पुकार, जन जन की यही पुकार। आपके कल घरे गए थे, पुराने घरे गए थे, तो लोगों ने साक्षात दिखा दो कि आकर कर जो आलोचना कर रहे थे कि इतने घोटाला वो घोटाला जो, तो साक्षात सबूत हो कि आपने अपने निजी घर नहीं सुधार पाओ, जैसे को तैसो डरो खपरेल। हम जहाँ हमारा निवास है, हमारे घर के सामने सब्जी मंडी लगा था, आप तो देखे आई। 10 साल में कोनो विधायक के सामने जी की गाड़ी ना पहुंच पाए का सब्जी मंडी लग सकती का। लेकिन चूंकि जनता ही को तो प्रेम है, उन्हीं लोगों के स्नेह है कि हमने अपनी गाड़ी रोड पर खड़ी करके घरे जात हम हमेशा, और वही को कारण है कि आज चुनाव के मैदान में है तो जब जनता जनार्दन जो कार्यकर्ता दिख रहे जी, ये अपने आप उत्साहित होगा क्योंकि जब जनता के बीच में कुछ करो ना। अब आरोप तो उन्हें उनके पास कछु है का, उन्हें जिला तो बनाओ नहीं बनाओ वे कछु बनाओ तो कहते हमने जिला बनाओ। उनके पास है कि हमने जामनी बेतवा पुल बनाए, उन्हें पता हो कि 200 बेड को नवाई में अस्पताल बन रहा, उन्हें मालूम कि 400 करोड़ रुपए जो हमने पानी पे खर्च करो, घर घर नल जल योजना से पानी भेजो, उन्हें मालूम है कि हमने सड़कें कितनी जाल बिछाए, CM राइज जैसे स्कूल बना रहे। अब उन्हें जो सब चीजें पता, अब तुम केवल आरोप लगा भी के अलावा तुम्हें कोई काम नहीं। लेकिन अपन ने भी तय करी कि अपन को काऊ की लकड़ी से का लेने देने, हमें तो अपनी बड़ी लकीर करने नवाई विधानसभा के विकास के लाना है। तो लगे अभी भी का अधूरे हैं जो पूरे काम करावे के, अब अगर विजय हो तो। अब विकास की कोई रफ्तार कम तो होत नहीं है, विकास होत रहे लगातार, पूरा विकसित हो जाए तो हम लोगों की बहुत योजना है जो अभी लगत के योजना है तो पहुंचे ही जाए। लेकिन निवाड़ी जिला मध्य प्रदेश में अच्छा जिला बन जाए, अच्छी मजबूती के साथ बन जाए, और निवाड़ी विधानसभा में और एक थोड़ा सपना भी है। अभी जैसे हमने 400 करोड़ रुपया खर्च करी नल जल योजना पे, आप देखो गांव गांव में बिसलरी को पानी जो 15 रुपए जाएगी बोतल से पिया तो वो नालियन में बह रहा हो, कोई सोचत तो ऐसा? आज हमारा फिर सपना है कि निश्चित रूप से खेत तक पानी भेजिए का सपना है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैन बेतवा परियोजना की स्वीकृति प्रदान कर दी और उस योजना से हर खेत तक पानी भेजने का हमारा सपना अगली पंचवर्षी में होवे जा रहा है को। और आप समझो कि जब खेतन में पानी पहुंच जाए, खेत की अच्छी पैदावार हुई है तो हरियाणा पंजाब की जो चर्चा करते हैं उसे भी कहीं अगर ज़्यादा खेती की पैदावार हुई है तो वो संपूर्ण बुंदेलखंड में हुई है, निवाड़ी जिला में हुई है और निवाड़ी जिला के साथ साथ हमारी विधानसभा में हुई है। अब किसान के चेहरा अगर खिल गए तो नेतन के तो अपने आप खिल गए। कौन सा उत्साह के साथ लगे विधायक जी के संग में, कितने मजा आ रहा है, गांव में जा रहे हैं? देखिए उत्साह तो सभी को पता है कि आप भीड़ देख लो पहले कितनी भीड़ है, उत्साह ही उत्साह है। और विधायक जी जहाँ जा रहे हैं वहाँ इतनी भीड़ बढ़ रही है, और जहाँ घर घर टीका हो रहा है, घर घर माला पहनाई जा रही, घर घर आशीर्वाद मिल रहा, घर घर जीत की बधाई अग्रम मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी को। यही कारण मुख्य है कि इन्हें तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देने का काम किया है, और जनता कितना खरे उतर पाएगी और किसको यहाँ पर विधायक बनाने काम करेगी। धन्यवाद, नमस्कार।